नमस्कार, मैं मनोज द्विवेदी, आप सभी लोग कुशा करें इस चैनल पर है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू की। डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू का जन्म 17 जून 1887 को जाबरा रियासत में हुआ, इंदौर के समीप है ये। इसके बाद इन्होंने कानपुर से वकालत शुरू की 1908 में और 1919 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लॉ में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। इसके बाद 1937 में इन्होंने वकालत को छोड़कर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और 1951-52 में केंद्र में गृह एवं विधि मंत्री रहे। मध्य प्रदेश में 1957 से 62 तक मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद ये पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे, डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू। तो डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू जो मध्य प्रदेश में, हम एक सीरीज़ लाए हैं राजनीतिक व्यक्तियों की, उसमें दूसरा क्रम लाए थे। पहला क्रम हमारा मोतीलाल वोरा का था। धन्यवाद।